पूरा विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहा है, भारत में कोरोना वायरस से बचाव पर जोर शोर से जागरूक अभियान चला हुआ है। एक तरफ भारत जहां आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस से भी लड़ना पड़ रहा है। जब देश पर संकट हो और मामला गंभीर हो और धार्मिक सोच रखने वाले वास्तविकता पर हावी हो रहे हों, तब व्यक्ति को बेसिर पैर के फैसले नहीं लेने चाहिए। यह सच्चाई पर पर्दा डालकर लोगों को भ्रमित कर अंधविश्वास की ओर ढकेलने के सिवा कुछ नहीं। आम आदमी अगर अंधविश्वास में फंसा हो तो उसे नादान ना समझ कहकर समझाया जा सकता है, पर देश का प्रधानमंत्री अंधविश्वास को बढ़ावा दे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले बहुत प्रभावित था और उनके द्वारा देश हित में लिए फैसले की सराहना भी किया करता, पर मोदी द्वारा लिए गए दो फैसले ने मेरी नज़र में मोदी के प्रति सोच पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जब 22 मार्च को कोरोना वायरस नहीं मरा तो आपने लिया दीपक जलाओ फैसला, वो भी ठीक भाजपा दिवस से एक दिन पहले। इन दोनों पर्व से देश को कोई फायदा नहीं होगा, पर देश में मूर्खों की संख्या बढ़ जाएगी। पहले लाखों थालियां कबाड़ बनी और अब मोमबत्ती और तेल जलाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी, मोमबत्तियां या दिया दो ही सूरत में जलाए जाते हैं, एक खुशी का अवसर हो जैसे दिवाली, जन्मदिन, गृह प्रवेश, या फिर किसी की आत्मा की शांति के लिए जैसे निर्भया गैंग रेप के बाद जनता ने कैंडल मार्च निकाला। मोदी जी, जनता से जितना बन रहा है लॉकडाउन में आपका साथ दे रही है, आपको जनहित में काम करना चाहिए ना कि अंधविश्वास को बढ़ाने के लिए। भाजपा अपना स्थापना दिवस मनाती है तो मनाने दें, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के नहीं। आप अपने कद को छोटा मत कीजिए। जब भोले वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री विकट परिस्थिति में भारत को मजबूत बना सकते हैं तो आप कमज़ोर कैसे पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में जो कर दिया और देश को एक नई दिशा दी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद जनता आपसे कुछ उम्मीद करती है, इसलिए सच्चाई को जानते हुए देश हित में कदम उठाएं। आप देश के पहले, पार्टी के लिए बाद में। जय हिंद।